नौतपा में भीषण गर्मी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुधारू पशुओं पर भी अपना असर दिखा रही है। भैंसों और गायों के दूध उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की जा रही है। पशुपालक भी अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरह के जतन कर रहे हैं। छोटे पशुओं को बार बार पानी व हरा चारा खिलाया जा रहा है, कोई पशुओं को बार बार नहला रहा है तो किसी ने कूलर लगा रखे हैं और किसी ने तो फव्वारा ही पशुओं के लिए लगा दिया है, जिससे छत से लगातार पशुओं पर पानी की फुव्वार बरसती रहती है और तापमान सामान्य रहता है। अधिक तापमान होने पर गर्म लू के थपेड़े चलने लगते हैं, तो जिससे पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। गर्मी में यदि नवजात पशुओं की उचित देखभाल न की जाए तो इसका असर भविष्य में उनकी शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। पशुपालक अजमेर व अन्य का कहना है कि भयंकर गर्मी का असर पशुओं में देखने को मिल रहा है। अगर लक्षणों की बात की जाए तो लू लगने के कारण पशुओं को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, तेज बुखार, हांफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक लाल होना, पतला दस्त होना, श्वास कमजोर पड़ जाना, उसके हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। पशुपालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। उन्होंने बताया कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए खुले शेड और हवादार स्थान पर बांधा जा रहा है। पशुओं के शेड में पंखे व डेजर्ट कूलर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा छत पर फव्वारा भी लगाया हुआ है ताकि पानी की बौछार तापमान को मेंटेन रखें। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मेरी छोटी सी डायरी प्रेम डायरी में पहुंचने पर। लू का असर बहुत ज़्यादा असर पशुओं पे, इस टाइम बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस ही है जी, और दूध पे 25-30% का असर दिखाई दे रहा है दूध का सर जी। अगर पशुओं की बात की जाए, गाय में और भैंस में कितनी कैपेसिटी रहती है जो सहन कर लेंगे क्या टेम्परेचर जी? टेम्परेचर सर ये इनको चाहिए 30-35 डिग्री तक, ये नॉर्मल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं 30-35 डिग्री तक जी। इससे ज़्यादा होता तो परेशान होते हैं, इससे ज़्यादा होता तो ये हांफने लग जाती है गाय सर, और दूध पे और भी ज़्यादा असर हो सकता है जी, बीमार हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है सर। तो पहचान किस तरह से कर पाते हैं कि इस टाइम जो पशु है वो परेशान चल रहा है? सर वो हांफने लग जाता है, जुगाली बंद कर देता है और खाना नहीं खाएगा, चारा नहीं खाएगा जी, हांफेगा पशु, उससे पता चल जाता है उसके लक्षणों से सर। तो भैंस के और गाय के दूध में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, डाउन आ रहा है? 25-30% इनमें चल रहा है सर जी। जैसे गाय में कुछ ज़्यादा देखने को, गाय में ज़्यादा असर है सर इसका गर्मी का, और भैंस की इम्यूनिटी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है गाय से, गाय गर्मी कम सहन कर पाती है, भैंस फिर भी कर लेती है जी। तो इनको बचाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाते हैं आप लोग? सर इनको हवादार रख रखाव रखा जाता है, पंखे हैं और ये फोगर सिस्टम हमने लगाया हुआ है, इससे हम 45 डिग्री से इसको 30-35 डिग्री तक ले आए हैं टेम्परेचर को जी, जिसमें कम्फर्ट जोन में है इसको, कम्फर्ट जोन में। तो ये जुगाड़ जो आपने लगाया है ये कितना खर्चा है और किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, इसमें पानी कितना रहता है? पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता सर, जैसे बार बार नहलाना पड़ता है हमने, कम से कम उससे तो हम पानी बचा सकते हैं जी, पानी भी बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं और अपने पशुओं को भी बचा सकते हैं। तो कूलर वगैरह का यूज़ भी करते हैं किसान इनको बचाने के लिए? कूलर से सस्ता है सर ये, सस्ता कूलर अगर हम लगाएंगे तो एक पशु आगे उसके खड़ा होगा तो और पशु को उसकी हवा नहीं मिलेगी जी, और ये बराबर मात्रा में सबको मिलेगा टेम्परेचर इसका डाउन जी।